अरे बस भी करूं, मुझे लेट होना है। अरे ठीक है ठीक है, लेकिन तुमने हेलमेट तो लिया ही नहीं। मेरा हेलमेट टूट गया है, मैं पास्ते की जा रही हूँ। ठीक है ठीक है। ये किससे मिलती है किससे नहीं आज सब पता चल जाएगा। आज इसकी हकीकत का पता लगा कर ही रहूंगा। अरे तुम यही खड़े हो अभी तक, अंदर नहीं गए? नहीं, मैं तो मार्केट से सामान लेने जा रहा था। अच्छा ठीक है। कलर फेड हो रहा है, इसका मतलब ये आज फिर किसी से मिलकर आई। छोड़ूंगा नहीं इसे। मैं भी चलूं? नहीं नहीं, तुम रहने दो। ऐसा करते हैं, सामान शाम को ले आएंगे, अभी अंदर चलते हैं। चलो ठीक है। आइए आइए। सर अचानक से कैसे कॉल किया आपने? वो क्या है ना, काजल का बर्थडे है तो शाम को सेलिब्रेट करेंगे इसलिए। ओके ओके, पर बाकी सब तो कोई भी स्टाफ नहीं आया। अरे सब आ रहे हैं, तुम हमारे खास हो ना, इसलिए तुम्हें जल्दी बुला लिया। लेकिन तुम खड़े क्यों, बैठो ना। एक सेकेंड, कहाँ से आ रहे हो तुम? सर मैं तो घर से ही आ रहा हूँ, पर आप क्यों पूछ रहे हो ऐसे? देखो कमल, तुम मेरे साथ बहुत दिनों से काम कर रहे हो और मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूँ, इसलिए साफ साफ बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं ना मार्केट से आ रहा हूँ और मुझे पता नहीं था कि मैम का बर्थडे है, वरना मैं निश्चित मैडम के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले आता। शायद इसीलिए आपको बुरा तो नहीं लगा सर? अरे नहीं नहीं कमल, ऐसी कोई बात नहीं है, बात गिफ्ट वाली नहीं है, लेकिन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना वो तू बता नहीं रहा है। देखो कमल, मैं तुम्हें एक बार और पूछता हूँ, साफ साफ बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो। सर लास्ट हो या पहला हो, मैं बता तो रहा हूँ कि मैं मार्केट से आ रहा हूँ, पर आप क्या जानना चाहते हो? अच्छा, लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। काजल काजल! हाँ आई, क्या हुआ? कमल से मैंने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो ये बोल रहा है कि मैं मार्केट से आ रहा हूँ, और तुम भी आज मार्केट गई थी, तो तुम दोनों मिले थे क्या वहाँ? नहीं, मैं तो मार्केट ही नहीं गई, मैं तो पार्लर गई थी। देखो मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? ये हमारे शोरूम का मैनेजर है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाओगे, मैं तो कितना वफादार हूँ, कितने दिनों से काम कर रहा हूँ आपके यहाँ, और आपने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया इस तरह से। अच्छा, और तुम दोनों ने जो मुझे डिसअपॉइंट किया उसका क्या? ये क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हमारा कुछ चल रहा है? वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ, शर्म करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि बाहर चक्कर चलाऊं। तुम्हें सबूत चाहिए ना, मुझे पता था कि तुम सबूत मांगोगी, इसलिए जब आज तुम मार्केट गई थी ना तो तुम्हारे स्कूटर की पीछे वाली सीट पे मैंने लिपस्टिक लगा दी थी, और उसी लिपस्टिक के निशान इसकी पेंट पे लगा हुआ है। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने लिपस्टिक लगा दी थी? अरे वो रास्ते में तो मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई थी, तो वही बैठी थी, और मुझे नहीं पता है तुम ये क्या बोल रहे हो। अरे अब तो सच बोल दे, और कितना झूठ बोलेगी। मैंने उस पार्लर वाली को भी कॉल किया था, वहाँ भी नहीं गई थी तू। देख साफ साफ बता दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ मैम, और कितना झूठ बोलेंगे हम। हाँ हम 1.5 साल से रिलेशन में हैं। याद है आपको लास्ट टाइम जब आपने मुझे खाने पर बुलाया था? हमारी बातचीत उसी दिन शुरू हुई थी, और मुझे ये डर था कि आपको पता ना चल जाए, और वो दिन आज आ ही गया। सर हमारी खुशहाल जिंदगी में जहर क्यों घोला तुमने? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, और तुमसे भी। किसने कह दिया मैं तुम्हारे साथ खुश थी? मैं तो कभी तुम्हारे साथ खुश थी ही नहीं, मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। मेरे घर वालों ने तुमसे शादी कर दी जबरदस्ती पैसों के पीछे, और मैं घुट घुट के तुम्हारे साथ जिंदगी जी रही थी। इस बीच मुझे कमल मिला, और कमल ने मुझे खुल के जीना सिखाया। मैं तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, मैं तो तुम्हारी परिवार की इज्जत की वजह से तुम्हारे साथ रह रही थी, लेकिन तुम्हें तो जासूस बनने की पड़ी, अब भुगतो। अरे जिंदगी पैसों से चलती है ना कि प्यार से। तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं होंगे ना, और जब तुम्हें भूख लगेगी तुम्हारा सारा का सारा प्यार यहीं रह जाएगा, समझी? और इस प्रॉपर्टी के दम पे कुछ ज्यादा ही उछल रही थी ना तुम, तो आज के आज तुम्हें इस प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से, और डिवोर्स का पेपर सीधे तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, समझी? हाँ तो ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी का 50% मुझे भी मिलेगा, वो भी तलाक के बाद। मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं भी तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। कौन सा 50%? एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझी? तुम रंगे हाथों पकड़े गई हो, और सारे सबूत मेरे पास है, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। गेट आउट।